तो बेटा ये हमने ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, जो हमने आज ये डिस्कशन इस पर स्टार्ट करनी है। या आप समझ लें कि जो सब्जेक्ट हमारे दो इसके बेसिकली कंपोनेंट है। अगर आप हम इस सब्जेक्ट को देखें तो एक तो ये कि हमने इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि हमने हमारे पास कोई एल्गोरिथम है तो हमने उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, यानी कि एल्गोरिदम इम्प्लीमेंटेशन है। और दूसरा जो इसका है वो है जिसको आप कहेंगे एल्गोरिदम एनालिसिस। तो एनालिसिस में बेसिकली हम क्या करेंगे कि हमने उसकी परफॉर्मेंस अवेलुएट करनी है, जो एल्गोरिदम के परफॉर्मेंस है कि वो किस तरह का बिहेव कर रहा है, तो उसकी आप समझ लें कि काइंड ऑफ परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन। तो ये परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन किस फॉर्म में होगी कि हम उसकी इसको हम कहते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन जो है वो हम करेंगे। ये कॉस्ट एस्टिमेशन जो है ये बहुत कॉमन चीज है और हम टिपिकली करते हैं कि हम इसको बहुत कॉमनली हम इसको यूज करते हैं, लेकिन जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं, एल्गोरिथम्स की बात करते हैं, तो फिर ये जो कॉस्ट एस्टिमेशन है ये एक थोड़ा सा डिफरेंट एक चीज हो जाती है। लेकिन जनरली जेनेरिकली ये वही चीज है जो कि आम जैसे भी कॉस्ट एस्टिमेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल के अगर आपने एक हाउस अगर आपने बिल्ड करना है तो आपने उसकी जो है ना पहले सबसे पहले आप करते हैं कि उसकी कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं आप, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है कि आपके पास एक घर का एक कोई उसके पास स्ट्रक्चर आपका ऐसे ड्राइंग है, आर्किटेक्चर से आप एक ड्राइंग बनाते हैं तो आपके पास उसका एक मैप होना चाहिए। तो उस मैप को आप की मदद से तो उसमें क्या होगा कि वो आपको बताएंगे नहीं कि ये जो घर है इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है। फॉर एग्जाम्पल 5 मिलियन है, 6 मिलियन है, कितनी कॉस्ट इसकी जो है वो आ सकती है। तो इसी तरह से हमारे पास जो है वो एल्गोरिथम है, डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं, और हमने उनकी क्या करनी है, हमने उनकी कॉस्ट एस्टिमेशन करनी है। तो कॉस्ट दो तरह होती है, एक है कि उसका टाइम है, रनिंग टाइम एक्चुअली ये जो है ना कि वो कितनी देर में वो एल्गोरिदम जो है एग्जीक्यूट होगा, अगर हम उसको प्रोग्राम बनाते हैं तो कितने टाइम लगेगा। और उसके अलावा ये है कि उसमें उसमें जो है उसमें मेमोरी आपको जो है कितनी चाहिए, कितनी मेमोरी जो है वो आपको रिक्वायर्ड है। तो ये दो कॉस्ट बेसिकली जो है इनको हम देखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि हम उसकी अगेन जिस तरह से मैंने आपको कहा कि हमने एग्जैक्ट हमें कॉस्ट नहीं चाहिए, ठीक है, इसकी हमें जो है ना वो एग्जैक्ट कॉस्ट हमें नहीं चाहिए, बल्कि हमें जो है ना वो चाहिए कि हमें कॉस्ट एस्टिमेशन चाहिए कि एक आइडिया हमें हो कि ये जो एल्गोरिथम है ये कितना एक्सपेंसिव है, इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है। तो हम वो एक एस्टिमेट जो है वो बताएंगे। तो उसमें ये होगा कि हमने ये देखने के अगर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको टाइम जो है वो कितना लगेगा और उसकी उसको मेमोरी जो है कितनी रिक्वायर्ड होगी। इस तरह से अगर हमारे पास ऑप्शन जो होंगे, हमारे पास एक दो या तीन एल्गोरिथम है, तो हम उनकी इस तरह से जो है वो कॉस्ट एस्टिमेशन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं कि कॉस्ट एस्टिमेशन करने के बाद जो है हम इसमें चूज कर सकते हैं कि बेहतर इन तीनों में से बेहतर एल्गोरिथम जो है वो कौन सा है। तो जाहिर बात है कि जिसकी कॉस्ट कम होगी, जिसका कॉस्ट एस्टिमेशन एस्टिमेट वो कम होगा, उसको हम चूज कर लेंगे और हम कहेंगे कि दिस वन इज द बेस्ट एल्गोरिथम, तो लिहाजा हम इसको जो है वो चूज कर रहे हैं। तो आपके पास एक रीजन जो है वो नहीं होगी। तो फर्ज करें कि इनमें से कोई भी एल्गोरिथम जो है वो ऐसा बेहतर नहीं है कि जिसको आप यूज कर सकें, तो फिर आप इसको थोड़ा सा ओवर इसको इम्प्रूव जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एस्टिमेट तो आ चुका हुआ है, फिर आप इसमें इसमें इम्प्रूवमेंट्स जो है वो कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो इसी सिलसिले में है कि हमने ये डिफरेंट जारी बात है कि आज हम थोड़ा सा एक एक हिस्सा जो है उसको डिस्कस करेंगे, इसके बाद इसके बाकी पार्ट्स हैं उसमें मजीद इसको जो है फिर हम डिटेल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हमने ये देखना है कि इसकी जो है वो हम किस तरह से एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करते हैं। तो सबसे पहले ये कि हम दो एल्गोरिदम को कंपेयर कैसे करेंगे। तो
तो सिंपल तरीका क्या है कि हम क्या कर सकते हैं कि हम उसको उनको इम्प्लीमेंट करें एज प्रोग्राम्स, और फिर उसके बाद क्या करें कि हम उसको जो है ना इम्प्लीमेंट आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन फिर हम उसको जो है वो कंपेयर कर सकते हैं, फिर हम कह सकते हैं कि जी उसका उसकी जो है वो जो जितने रिसोर्सेज उन्होंने एक्चुअली यूज किए हैं फिर हम उनको वो हमें पता होंगे तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ये जो चीज है ये इस तरह के प्रोग्राम्स एल्गोरिथम्स को प्रोग्राम्स को उनको इम्प्लीमेंट करना है, तो ये इतनी इतनी जो है वो अभी कह लेंगे एक वॉइस ऑप्शन जो है वो नहीं है। तो उसकी उसकी रीजन जो है वो क्या है ये कुछ यहाँ पे जो है वो मेंशन की है। पहले पहले सबसे पहले तो ये है कि आपने क्या करना है कि सॉरी ये करना ये है कि आपने दोनों में से एक एल्गोरिथम चूज करना है और आप इम्प्लीमेंट जो है वो दो कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट अ वाइज ये चाहिए तो आपको एक, लेकिन आप क्योंकि ये जो है जब आप उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो फिर आपको उसके लिए जो भी कॉस्ट है, जाहिर बात है कि आप प्रोग्राम जब डेवलप करेंगे उसे तो आपको पे करना पड़ेगा, ये फ्री में जो है तो ये करना पड़ेगा। तो आपने दो प्रोग्राम्स की कॉस्ट पे कर दी हुई है जो उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट है, तो फिर उनमें से उन दोनों में से आप एक को जो है ना वो रख रहे हैं और दूसरे को आप कह रहे हैं कि ये हम नहीं रख रहे क्योंकि इतना एफिशिएंट प्रोग्राम जो है वो नहीं है। तो इट्स जस्ट लाइक कि आपने एक घर में आपके पास दो ऑप्शन है, आप दो मैप बनवाते हैं, दो मैप आप कहते हैं ये मैप वन है मैप टू है, अब आपको पता नहीं है कि दोनों में से लेस एक्सपेंसिव कौन है, तो आप क्या करते हैं कि दोनों को बिल्ड करते हैं, तो फिर आप एक्चुअल कॉस्ट देखते हैं, आप कहते हैं इसकी कॉस्ट 5 मिलियन है इसकी कॉस्ट 6 मिलियन है, तो ये वाला हम रखते हैं इस वाले को हम गिरा देते हैं या इसमें हम नहीं रहते, तो दिस इज नॉट अ वाइज थिंग टू डू। यदि आप उसको इम्प्लीमेंट कर लें और इम्प्लीमेंट करने के बाद जो है ना फिर आप कहेंगे कि अच्छा जी ये जो प्रोग्राम है ना ये एफिशिएंट है इसको रख लेते हैं दूसरे को हम नहीं रखते, तो दूसरा ये हो सकता है कि बाद का ऐसे हो सकता है कि जो प्रोग्रामर है उनकी एबिलिटी में भी डिफरेंस हो सकते हैं। ऐसे क्या हो सकता है कि एक प्रोग्रामर जो है वो बेटर प्रोग्राम लिख दे तो दूसरा प्रोग्रामर जो है वो इतना बेहतर प्रोग्राम, अब आप एक अच्छे प्रोग्राम को एक पुअर प्रोग्राम के साथ आप उसको जो है वो कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उससे जो है जाहिर सी बात है जो कंपैरिजन जो है वो नहीं बनता। ऑब्वियसली क्या होगा कि जो प्रोग्राम अच्छा लिखा हुआ वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा, और जो प्रोग्राम इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ चाहे उसका एल्गोरिथम जो है वो अच्छा बेहतर है फिर भी वो बेहतर इतना अच्छा परफॉर्म जो है वो नहीं करेगा। तो इसके अलावा क्या हो सकता है कि सपोज कि आपने प्रोग्राम्स दो दो अच्छे प्रोग्रामर से आपने प्रोग्राम से वो बिल्ड करवाए हैं उनसे, लेकिन हुआ क्या है कि जब आपने उनको उनको एग्जीक्यूट करने लगे तो आपने दो दो कंप्यूटर्स जो है वो यूज किए हैं और उन दोनों कंप्यूटर्स में जो है वो सिमिलर बिल्कुल सिमिलर 100% जो है वो नहीं है, ये दोनों कंप्यूटर से हैं ये थोड़े से डिफरेंट, तो जाहिर बात है कि इनमें फिर रिजल्ट्स जो है वो डिफरेंस जो है वो। इसके अलावा क्या हो सकता है कि ना ये पॉसिबिलिटी है कि फर्ज करें कि अगर दोनों ही एल्गोरिदम जो है वो आपके बजट के अंदर फॉल नहीं करते, जितना आपने रिसोर्स कहा हुआ है जो रिसोर्स कॉन्स्टेंट्स आपने कहा हुआ है वो उसके अंदर दोनों ही फॉल नहीं करते, फिर क्या करेंगे, फिर आपके पास जो है वो क्या ऑप्शन है। तो जाहिर बात है फिर आपके पास ये होगा कि आप कहेंगे कि अब तो ये इसको बेहतर करें, तो कैसे करेंगे फिर अगेन उसी तरह से आपके दो प्रोग्राम की जो कॉस्ट है जो आपने उस पर इन्वेस्टमेंट की है वो आपकी जाया होगी, तो ये तो जाहिर सी बात है कोई भी नहीं चाहता कि जो उसने इन्वेस्टमेंट की है वो जाया हो, तो इसका बेहतर तरीका क्या है कि आप उसकी बजाय उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले जो है ना उसकी एक एस्टिमेशन जो है वो आप कर लें ताकि आपको रफली आइडिया हो कि ये दोनों में से कौन सा बेहतर है, और फिर आप दोनों दो दो या तीन जितने भी एल्गोरिदम आप ऑप्शन आपके पास मौजूद है उनमें से फिर एक को इम्प्लीमेंट करें फिर दोनों को इम्प्लीमेंट आप नहीं करें, तो इससे इससे क्या होगा कि इससे आपकी जो है वो आपका टाइम भी बचेगा आपकी कॉस्ट जो है वो भी बचेगी, और इस तरह से जो है आप जो है ना वो अगर उसमें मजीद को बेहतरी करनी है तो वो भी आप उसमें उस प्रोग्राम में जो है वो कर सकते हैं। अच्छा ये जो टेक्निक है जो हम यूज करते हैं मैथमेटिकल
एक टेक्निक है जिसको हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस जो है वो कहते हैं। तो ये जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि ये एक एस्टिमेशन टेक्निक है, दिस इज नॉट फॉर एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ एल्गोरिथम या इसके एग्जैक्ट कॉस्ट की हम दलित नहीं है, ये सिर्फ एक एस्टिमेशन टेक्निक है और जिसके मदद से हम कह सकते हैं कि हम एक एल्गोरिथम की जो एस्टिमेटेड जो उसकी कॉस्ट है उसको हम जो है ना हम उसको मेयर कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली क्या करेगी कि हमें ये बताएगी कि जो एक एल्गोरिथम है उसकी एफिशिएंसी के मुतालिक जो है वो हमें बताएगी। और ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक एस्टिमेशन टेक्निक है और ये चीज़ हमेशा जो याद रखते हैं कि जो एस्टिमेशन है एस्टिमेट है वो कभी भी एग्जैक्ट कॉस्ट के बराबर नहीं होता, ठीक है। ये वो याद रखें, ये कभी भी ऐसे नहीं होता। हाँ ये हो सकता है कि दोनों जो है वो बहुत क्लोज हों, तमाम जो फैक्टर्स थे जो इम्पोर्टेंट थे उसको आपने कंसिडर किया है तो फिर हो सकता है कि ये बहुत क्लोज हो एक दूसरे के, लेकिन कभी भी ये एग्जैक्ट एक दूसरे के इक्वल जो है वो नहीं होंगे। और नॉर्मली इसमें क्या होता है कि जो एस्टिमेट है वो थोड़ा सा ज्यादा आपको एक तरह से कहने के थोड़ा सा ज्यादा होता है। बाज़ वक़्त हम कहते हैं कि इसकी एक अपर बाउंड और लोअर बाउंड जो है वो हमें बता दें और ये बता दें कि मैक्सिमम इसके प्राइस कितने हो सकती है और मिनिमम जो है वो कितनी हो सकती है। तो इस तरह से हम एक हमें ये भी आइडिया हो सकता है कि अच्छा ज्यादा से ज्यादा हमें कितना कितनी कॉस्ट आएगी और कम से कम हमें कॉस्ट जो है वो कितनी जो है वो आएगी। तो इसमें जो है वो क्या है कि एसिम्प्टोटिक एनालिसिस हैज प्रूव्ड यूजफुल टू कंप्यूटर साइंटिस्ट हु मस्ट डिटरमाइन इफ अ पर्टिकुलर एल्गोरिथम इज वर्थ कंसीडरिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन और द क्रिटिकल सोर्सेज फॉर अ प्रोग्राम इज मोस्ट ऑफन इट्स रनिंग रनिंग टाइम। तो ये एक्चुअली ये आप लोगों को कोर्स का आइडिया है कि कंप्यूटर के दो इम्पोर्टेंट सोर्सेज जो हैं, एक उसका सीपीयू है और दूसरी उसकी रैम मेन मेमोरी जो है वो होती है। ये दोनों ही रिसोर्सेज में बहुत काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो अब आप ये चाहते हैं कि अगर आप कोई भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करें तो वो मिनिमम इन इन दोनों सोर्सेज को कम से कम जो है वो यूज़ करें, यानी सीपीयू का टाइम भी कम से कम ले और उसकी जो रैम है वो भी कम से कम जो है वो कंज्यूम करें। तो अब हमने इसमें क्या करना है कि हम ये देखेंगे कि वो जो एल्गोरिथम है उसको जो है वो उसको उसको जो है सीपीयू टाइम कितना चाहिए और उसको रैम जो है वो कितनी रिक्वायर्ड है। तो ये हम एक एस्टिमेट करेंगे और उस बेस पे फिर हम जो एल्गोरिथम है उनकी परफॉर्मेंस को हम अवेल्युएट करेंगे, ठीक है जी। अच्छा इसके अलावा ये है कि ये चीज़ है इम्पोर्टेंट है कि ये देखना कि एक जो है वो एल्गोरिथम है तो उसके रनिंग टाइम को क्या क्या चीज़ें जो है वो। पहली चीज उसमें जो है वो है एनवायरनमेंट, उसका एनवायरनमेंट जिस एनवायरनमेंट में उसको एग्जीक्यूट किया जाता है उसमें पहली चीज आ जाती है कि सीपीयू की स्पीड कितनी है, बस स्पीड कितनी है और इसके अलावा जो पारिस्टर है उनकी उनका उन, उन, उन वो आ जाते हैं। अच्छा फिर उसके बाद आ जाते जी कंपटीशन फॉर नेटवर्क रिसोर्सेज, ये खासतौर पर उस सिचुएशन में ज्यादा जो है वो क्रिटिकल हो जाता है अगर आप जो है ना वो क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट में जो है वो काम कर रहे हैं जहाँ पे जो प्रोग्राम एक्चुअली है जो सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है और आप एक क्लाइंट से उसको जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे एक जारी बात है कि आपने नेटवर्क के जरिए उसको जो है सर्वर को एक्सेस करना है, अगर और भी क्लाइंट्स हैं तो फिर वो भी उनको भी नेटवर्क सोर्सेज चाहिए। तो वहाँ पे आप मतलब ये नहीं है कि आप कहें कि जी सारे रिसोर्सेज आपको मिले, आपको अपनी बारी पे और अपने हिस्से के मुताबिक जो रिसोर्सेज मिलेंगे। अच्छा उसके अलावा क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कौन सी यूज करें और क्वालिटी ऑफ कोड जनरेटेड बाय कंपाइलर ये भी जो है वो डिपेंड करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आ जाती है दैट इज द कोडिंग एफिशिएंसी ऑफ प्रोग्रामर, तो हमारे पास जो है वो ये ऑफकोर्स ये चीज़ होती है, इसलिए मैं प्रोग्रामिंग पे इसलिए ज़्यादा जोर देता हूँ कि जो एक्सपीरियंस या जो अच्छे अच्छे प्रोग्रामर होते हैं उन वो अच्छे प्रोग्राम लिखते हैं जो कि जब एग्जीक्यूट होते हैं तो और उनका रनिंग टाइम जो है वो
कम से कम 10। तो इसलिए जो है ये कुछ फैक्टर हैं जो कि प्रोग्राम के रनिंग, लेकिन जब हम एस्टिमेट करेंगे तो हम इन कंस्ट्रेंट्स को जो है वो हम एक्चुअली हम उनको जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि हमने एस्टिमेट करना है तो इन इन चीजों को हमने जो है वो कंसीडर नहीं करना है। तो ये मतलब हम उसको ये नहीं कहेंगे कि ये जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं इस सीपीयू के लिए कर रहे हैं या क्लाइंट सर्वर के लिए कर रहे हैं या किसके लिए हम कर रहे हैं। वो एस्टिमेट जो है वो इंडिपेंडेंट होगा इन सब चीजों के, क्योंकि एस्टिमेट है तो इसलिए वो हम उसको उसको किसी भी इस तरह के फैक्टर्स का बाउंड नहीं हम उनको करेंगे। हम उसको उसको जो है उसको हम इन सब कंस्ट्रेंट से जो है वो अलग ही रखेंगे, उनको इस तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें उस वक्त काउंट होती है जब आप प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन से पहले ये चीजें जो है ये जो है ये मैंने नहीं रखते। अच्छा, तो एस्टिमेट करना है तो एस्टिमेट हम किस तरह से करते हैं कि उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि ये जो एल्गोरिथम है इसमें ये कितने नंबर ऑफ बेसिक ऑपरेशन जो है ये परफॉर्म कर रहा है। तो बेसिक ऑपरेशन ये जो है इसमें इसके स्टेटमेंट में जो है वो दो चीजें हैं, नंबर ऑफ बेसिक ऑपरेशन और उसके बाद है फॉर एन इनपुट ऑफ सर्टन साइज। तो इसको जो है वो हम जो है वो देखेंगे कि ये एल्गोरिदम जो है, चूंकि अभी हमने बात की है कि हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जा रहे, हम सिर्फ एक एस्टिमेट कर रहे हैं, तो एस्टिमेशन के लिए हमें दो चीजें चाहिएंगी कि वो नंबर ऑफ ऑपरेशन बेसिक ऑपरेशन कितने परफॉर्म कर रहा है और इनपुट साइज जो रखे, इन दोनों चीजों को जो है वो हम जो है वो कंसिडर करेंगे। अच्छा, तो फॉर एग्जाम्पल के आप जब सॉर्टिंग एल्गोरिथम हमारे पास है, ये हम उनको हम आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, द साइज ऑफ द प्रॉब्लम मेजर बाय द नंबर ऑफ जॉब टू बी सॉर्टेड। जैसे एक आपके पास एक रे है, कि हम स्मॉल एन को यूज करते हैं फॉर साइज ऑफ रे, कि इसका साइज इसमें इस तरह से होगा कि जो उसका रनिंग टाइम है प्रोग्राम का वो एक्चुअली उसके जो साइज पर डिपेंड करेगा, कि जितना उसका साइज इंक्रीज करता रहेगा उस तरह से उसका जो रनिंग टाइम है वो भी इंक्रीज करता रहेगा। अच्छा, फिर उसके बाद है कि बेसिक ऑपरेशन की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसको समझना जो है वो बहुत जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक ऑपरेशन जो है वो क्या होते हैं कि इसकी जो अगर हम डेफिनेशन या इसकी देख लीजिए किनको हम कहते हैं, दैट इस टाइम टू कंप्लीट डज नॉट डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ इट्स ऑपरेंड्स। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल जो है वो ये है कि आपने दो नंबर्स को कंपेयर करना है, ए ग्रेटर देन बी। अब इसमें ए और बी की कोई भी वैल्यू हो तो ये जो ऑपरेशन है जिसमें क्या आप इसमें ए और बी क्या है कि ये ऑपरेंड्स है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम ऑपरेंड्स कहते हैं जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और ये जो ग्रेटर देन का साइन है दिस इज ऑपरेटर, जो कि ये बताता है कि ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है। तो हमने यहाँ पे ऑपरेशन क्या परफॉर्म किया है कि वहां पर दो वेरिएबल है, हमने इनको कंपेयर किया कि दोनों में से कौन सा बड़ा है, अगर ए बड़ा है तो ये ट्रू होगा, अगर बी बड़ा है तो फिर इसका रिजल्ट जो है वो फॉल्स होगा। तो अब ये आप ए बी की जगह पे एक्स वाई कर लें, आप कोई नंबर दे लें, टू ग्रेटर देन 1 कर लें या 4 ग्रेटर देन 10 कर लें, कुछ भी कर लें, इसकी जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू कर लें, ये ऑपरेशन हमेशा जो है ये कांस्टेंट टाइम में कंप्लीट होगा और ये ज्यादा टाइम जो है वो नहीं लेगा, तो उससे ऑपरेंड्स पर डिपेंड नहीं करेगा इसका जो कंप्लीशन टाइम है, और इसके जिस अब ऑपरेंड जो मर्जी हो इसका जो टाइम है वो हमेशा सेम ही होगा, वो नहीं हो जो है वो आप ही कह सकते हैं कि वो डिफरेंट नहीं होगा। अगर इंटीजर यहाँ पे लेते हैं तो उसके लिए भी जो है वो टाइमिंग सेम ही होगा, अगर ये फ्लोट टाइप के होंगे तो उसके लिए भी जो है वो सेम ही होगा, तकरीबन आप कह सकते हैं ज्यादा इसमें डिफरेंस जो है वो नहीं होगा।
दूसरी तरफ आप फर्ज करें कि एक हमारे पास रे है और फॉर एग्जाम्पल के इसके पास हमारे पास 10 एलिमेंट्स है। अब हमने क्या किया है कि हमने क्या करना है कि इन सबको सम करना है, रे के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उसका सम फाइंड आउट करना है। अब चूंकि 10 एलिमेंट्स हैं तो फर्ज इसमें हो सकता है जी 10 सेकेंड लगे फॉर एग्जाम्पल। अब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स कर देते हैं 100 तो ऑब्वियसली इसमें उतना वही टाइम नहीं लगेगा बल्कि ज्यादा टाइम लगेगा, तो टाइम जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये जो है ऑपरेशन जिसमें जो हमने दो वेरिएबल्स को कंपेयर किया है इसको तो हम कहते हैं कि दिस इज अ बेसिक ऑपरेशन, लेकिन ये जो हमने अरे के एलिमेंट को सम कर रहे हैं दिस इज नॉट अ बेसिक ऑपरेशन, दिस इज नॉट। इसी तरह जो सॉर्ट करते हैं अगर आप इसको सॉर्ट भी करें तो सॉर्टिंग इज नॉट अ बेसिक ऑपरेशन, ठीक है। अगर आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं वो बेसिक ऑपरेशन है, अगर आप डिवाइड करते हैं वो बेसिक ऑपरेशन है, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं वो बेसिक ऑपरेशन है, बट दिस इज नॉट। ये चीज जो है वो अरे के पूरे एलिमेंट्स को सॉर्ट करना या उसको सम करना दिस इज नॉट बेसिक ऑपरेशन, ठीक है जी। तो इसमें जो है यही चीज जो है वो हमने बताई है कि एडिंग और कंपेयरिंग टू दिस वेरिएबल आर एग्जांपल ऑफ बेसिक ऑपरेशंस और कंटेंट्स ऑफ अरे कंटेनिंग एन इंटीजर इज नॉट बिकॉज द कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एन, यानी कि एन एन जो साइज है साइज ऑफ अरे पे कॉस्ट डिपेंड करेगी और वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, वो चेंज हो जाएगी। जैसे एन चेंज होगा तो साथ ही उसकी कॉस्ट जो होगी चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल है और ये एल्गोरिथम है, आपको बिल्कुल सी प्रोग्राम की तरह लग रहा होगा लेकिन ये एक्चुअली एक एल्गोरिथम है और इसका नाम जो है उसको हम कहते हैं लार्जेस्ट वैल्यू सिक्वेंशियल सर्च। इसका रैशनल जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास उसका साइज जो है वो एन है, तो हमने उसमें से करना है कि एक नंबर फाइंड आउट करना है विच इज द लार्जेस्ट वन, और हमने उसकी जो लोकेशन है वो हमने बता दी है कि वो अरे में किस पॉइंट पे जो है वो है। इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला ऑप्शन इसके अंदर ये हो सकता है कि अरे जो है ये सॉर्टेड हो। सॉर्टेड में ये होगा टिपिकली क्या होता है कि हम उसको जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में जो है ना वो सॉर्ट करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि जो लोएस्ट है वो जितना जीरो लोकेशन पे होती है और हाईएस्ट जो है वो आखिरी लोकेशन पे होती है यहाँ पे। तो इट्स मीन के आप अगर सॉर्टेड है तो सिंपली आप कह सकते हैं आखिरी लोकेशन पे जाए वहां पे जो वैल्यू है उसको आप कह रहे हैं कि दिस इज द लार्जेस्ट और दैट्स इट यहाँ पे खत्म हो गया। तो इसी तरह से आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में भी, जिसमें कि जो हाईएस्ट है वो होगी लोएस्ट पे और जो लोएस्ट है वो हाईएस्ट पे होगी, तो आप कह सकते हैं कि इस लोकेशन पे जो हाईएस्ट वैल्यू। लेकिन जो हम जिस ऑप्शन को कंसीडर कर रहे हैं वो हम कह रहे हैं कि ये अरे जो है वो अनसॉर्टेड है और हमें ये नहीं पता कि अरे में किस जगह पे जो है वो ये लार्जेस्ट एलिमेंट जो है इसकी वैल्यू सबसे लार्जेस्ट है वो अरे में किस जगह पे है, तो इसके बारे में हमें नहीं पता। उसके लिए जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं उसको हम कहते हैं लार्जेस्ट वैल्यू सिक्वेंशियल सर्च। सिक्वेंशियल सर्च बेसिकली हम उसको कहते हैं। सिक्वेंशियल सर्च में हम क्या करेंगे कि दिस इज ये हमारी अरे है, हमने क्या करना है कि हमने पहले एलिमेंट से स्टार्ट करना है, दिस विल बी आवर फर्स्ट एलिमेंट जीरो जिसका इंडेक्स जीरो है और ये हमारा लास्ट एलिमेंट है जिसका इंडेक्स एन माइनस वन होगा। हमने सबसे पहले ये यूज करना है कि ये वाला जो है ये लार्जेस्ट है, दिस वन इज लार्जेस्ट एलिमेंट, ये हम यूज कर लेंगे। अच्छा इस अजम्पशन के बाद हमने ये करना है, हमने इसको कंपेयर करना है अपने से नेक्स्ट के साथ, ये कंपेरिजन करना है। अगर ये कंपैरिजन जो है इसके जाहिर सी बात है दो ऑप्शन होंगे, अगर तो ये जीरो लोकेशन वाला पड़ा है तो ये कंपैरिजन फॉल्स होगा और हम अगले अगले कंपैरिजन की तरफ मूव कर देंगे। अगर ये कंपैरिजन ट्रू होता है तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट लोकेशन से नेक्स्ट लोकेशन पर जो एलिमेंट है ये बड़ा है, तो हम क्या करेंगे कि अब हम इसको कह देंगे दिस वन इज द लार्जेस्ट और फिर इसको जो है वो हम बाकियों के साथ कंपेरिजन जो है वो करते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि हमें टोटल जो कंपैरिजन है टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन जो करने पड़ेंगे वो एक्चुअली एन माइनस वन कंपैरिजन जो है वो करने पड़ेंगे। टोटल एलिमेंट्स तो इसके अंदर एन है लेकिन हमने क्योंकि पहले एलिमेंट को स्किप कर दिया है तो इस वजह से इसके जो नंबर ऑफ कंपैरिजन है वो होंगे एन माइनस वन।
एल्गोरिथम को देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें एक फंक्शन है जिसको कि हमने लार्जेस्ट कहा है, और इसको जो है वो दो इनपुट जो है वो दी जा रही है। एक रे है, एक इंटीजर टाइप की रे है, और एक उसका साइज है। दिस इज द एन, विच इज द साइज ऑफ द रे। और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, जो कि एक्चुअली जो भी लार्जेस्ट एलिमेंट होगा उसका जो उसकी पोजीशन है उसका इंडेक्स जो है उसको स्टोर करेगा। और बाय डिफॉल्ट ये कंसिडर करेगा कि जो जीरो तो लोकेशन का एलिमेंट है ये लार्जेस्ट है। तो यहाँ पे हमने फॉर लूप यूज की है, एक ही फॉर लूप हमने यूज की है, और उसकी जो टर्मिनल कंडीशन हमने रखी है वो 1 से लेकर n लेस देन n तक रखी है। यानी लेस देन n का मतलब है कि n-1 तक ये ट्रू होगी। जैसे ही i जो है वो n के इक्वल होगा तो ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं कि हम जो हमारे पास जो एलिमेंट करंट लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको हम उससे नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर ये कंपैरिजन ट्रू होता है तो इसका मतलब है कि जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वो बड़ा है, और हम जो करंट लार्ज एलिमेंट है उसकी इंडेक्स उसकी वैल्यू चेंज कर देंगे। अदरवाइज अगर ये फॉल्स होता है, फर्ज करें कि मैं आपको एग्जांपल ये देता हूँ कि आपने ये जो अरे है इसको आपको नहीं पता था, लेकिन एक्सीडेंटली या इतफाक से क्या हुआ कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सेव हुई है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो जीरो लोकेशन पे है। अब ये लार्जेस्ट एलिमेंट है, बाकी सारे एलिमेंट इससे छोटे हैं। अब आप जब जब भी कंपैरिजन करते जाएंगे ना तो क्या होगा कि ये सारे कंपैरिजन जो है फॉल्स होंगे, दे विल बी फॉल्स कंपैरिजन होंगे, और यही एलिमेंट जो है वो लार्जेस्ट रहेगा, और एंड में जो आपको रिटर्न वो करेगा वो आपको जो है वो जीरो रिटर्न करेगा। उसका मतलब ये होगा कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट का लोकेशन है वो जीरो है। अच्छा, अब दूसरी तरफ हम ये कंसिडर करते हैं कि अगेन बाई चांस इस तरह से हुआ कि ये क्या हुआ कि जो एलिमेंट की जो अरे थी ये असेंडिंग में जो है ये सॉर्टेड थी। असेंडिंग का मतलब ये है कि लोएस्ट यहाँ पे है और हाईएस्ट जो है वो यहाँ पे है, इस लोकेशन पे है। अब आपने जब कंपैरिजन शुरू किया है तो हर जो भी आप कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि इसमें ये है कि जब आप मूव करेंगे ना तो जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो जीरो लोकेशन पे है, अगला जो एलिमेंट है ना अगला एलिमेंट वो इससे बड़ा है, फिर ये नेक्स्ट एलिमेंट पे जब आएंगे 1 से 2 पे आएंगे तो 2 वाला बड़ा है 1 वाला छोटा है, जब आप 3 पे आएंगे तो 3 वाला बड़ा है 2 वाला छोटा है, जब 4 पे आएंगे तो 4 वाला बड़ा है 3 वाला छोटा है। तो ये सारे कंपैरिजन जो है ना ये ट्रू होंगे, ऑल ऑल ऑफ दिस कंपैरिजन विल बी ट्रू। और साथ ही जो है ना ये असाइनमेंट ये जो वैल्यू है इसकी हर कंपैरिजन पे ही चेंज जो है वो होती जाएगी, और फाइनली आपको जो है जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी n-1, बिकॉज के वहीं पे आखिरी लोकेशन पे जो है आपका एलिमेंट है वो हाईएस्ट है। तो ये पॉसिबिलिटीज जो है वो इसके अंदर जो है वो हो सकती है। तो इसमें जो है इसकी इसकी कॉस्ट एस्टिमेशन कैसे करते हैं वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं। तो इसमें रनिंग टाइम टोटल जो उसका ओवरऑल रनिंग टाइम है वो डिपेंड करेगा कि जी उसका जो साइज ऑफ इनपुट कितना है। साइज ऑफ इनपुट का मतलब है कि जो अरे का साइज है वो कितना है। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं कि हम इसको जो है वो गिवन साइज एन, तो टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो टाइम में ये फंक्शन होगा इसको हम इस तरह से गिनेंगे, टी इज फंक्शन ऑफ एन, यानी इनपुट का जो है वो फंक्शन है एन का, और ये ऑलवेज एक नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी। नॉन नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो कभी भी नहीं होगी, हमेशा जो है ये ग्रेटर देन जीरो होगी। अच्छा, तो इसमें हम ये कह देते हैं कि पिछले स्लाइड में जो हमने देखा था कि जो हमने कंपैरिजन परफॉर्म किया था उसमें जिस तरह से हमने इस तरह से एक कंपैरिजन जो है वो परफॉर्म किया था जिसमें कि हमने इस तरह से सॉरी करंट और लार्ज हमने कहा, इसकी जो कॉस्ट है वो हम कह देते हैं नहीं वो सी है, क्योंकि बेसिक ऑपरेशन है कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए इसकी इसमें रिगार्डलेस ऑफ ऑपरेंड इसकी कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी, उसको हमने कह दिया सी। ये सी एक्चुअली टाइम होगा, कुछ टाइम होगा, हो सकता है कि दिस इज 1 मिली सेकेंड, या आप कह सकते हैं कि जी 1 माइक्रो सेकेंड, कुछ भी जो है इस तरह से जो है वो हो सकता है, दिस विल बी सम टाइम। तो हमने इसकी जो टोटल कॉस्ट निकालनी है तो वो टोटल कॉस्ट
कि हम इसको क्या करेंगे, इसकी जो टोटल कॉस्ट निकलेगी वो इस तरह से निकलेगी कि हम इसकी जो टोटल जो अरे साइज है उसके साथ हम इसको उसको जो है वो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल इज दैट, सी इंटू एन। इनफैक्ट इस तरह से नहीं है, हमने इसकी कॉस्ट इस तरह से निकाल ली है कि हमने सी को मल्टीप्लाई करना है बाय टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन, कि हमने टोटल कितने परफॉर्म किए। तो जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि हमने जो टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन परफॉर्म किए ना वो एन माइनस वन की है, क्योंकि जो फॉर लूप के अंदर जो अगर आप फॉर लूप में देखें तो वहां पे जो हमने टर्मिनल कंडीशन दी थी आई इज इक्वल टू वन से लेकर वो थे आई इज इक्वल टू लेस देन एन। तो जैसे ही आई ये कंडीशन उस वक्त तक ट्रू होगी जब तक के आई आई जो है वो एन से लेस है, यानी एन माइनस वन है। उसके बाद जो है जैसे ही आई जो है वो एन के बराबर हो गई कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए जो टोटल कंपेरिजन है वो कितने होंगे, वो एन माइनस एन नहीं होंगे, एन माइनस वन होंगे, दिस विल बी एन माइनस वन कंपेरिजन। फिर जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से रहेगा सी एन माइनस सी, लेकिन ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है। और अगर आप जो हमने मैथमेटिकल प्रिविलेजेस के जो लेक्चर है अगर आप उनमें जाके देखें तो उसमें हमने एक चीज बताई है कि इस कॉन्स्टेंट को हम इग्नोर कर सकते हैं, वी कैन इग्नोर दिस कॉन्स्टेंट। ये इसको अगर हम इग्नोर भी कर दें तो इससे कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। मैं उसको आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप फर्ज करें कि ये जो सी है दिस इज 1 मिली सेकेंड और जो एन है, एन आपका जो है 100 है, 1000 करने चाहिए 1000 कर। अब आपने टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है कि अगर आप इस तरह से करते हैं सी एन माइनस सी, तो सी जो है वो 1 है और ये 1000 है, माइनस 1 आपने किया, ये आ जाए 1000 मिली सेकेंड माइनस 1, यानी कि 999 मिली सेकेंड इसकी कॉस्ट निकली। अब इसमें और 1000 में कोई डिफरेंस नहीं है, दिस इज नॉट अ मच डिफरेंस। खासतौर पर जब आप कॉस्ट को एस्टिमेट कर रहे हैं तो फिर ये डिफरेंस जो है इतना इतना क्रिटिकल जो है या इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है वो नहीं है। तो अगर हम ये ना भी लिखें, अगर हम 999 की बजाय लिखने के हमने सिंपली इसको क्या किया है कि हमने इसको जो है उसको मल्टीप्लाई कर दिया विद टोटल जो उसकी टोटल साइज है एंड दैट इज द टोटल रनिंग टाइम उसका जो है उसकी एस्टिमेट जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये जो क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन दिस इज द रनिंग टाइम लार्जेस्ट लार्जेस्ट सिक्वेंशियल सर्च। अगर आप ये देखना है कि इसका रनिंग टाइम किस तरह से चेंज हो रहा है, उसका तरीकेकार ये है कि आप एक ग्राफ बनाएं और उसमें यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एन होगा और वाई एक्सिस पे आपका जो है वो रनिंग टाइम होगा। तो आप देखें कि एन को 10 रखें, एन को 100 रखें, फिर एन को 1000 रखें और आप ये देखें कि इसका जो है वो किस तरह से चेंज हो रहा है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये लीनियर, ये इसका ग्रोथ रेट है लीनियर होगा और इसके इस तरह से स्ट्रेट लाइन जो है वो क्वेश्चन आएंगे जस्ट लाइक दिस वन। इसी तरह से कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जैसे कि उसकी जो कॉस्ट है वो कॉन्स्टेंट होती है, वो आप उसका उसको हम सिंपल सी से कह देते हैं, दिस इज अ कॉन्स्टेंट रनिंग टाइम। तो इस तरह से हम जो उसको कह देते हैं। अच्छा, इसी तरह से जो है ये एक और एग्जांपल है। इस एग्जांपल में एक्चुअली क्या किया है कि हमारे पास दो रूप्स हैं, एक हमारे पास जो है वो आउटर लूप है और एक हमारे पास जो है वो इनर लूप है। और अगर आप इस कोड को यहाँ पे अगर आप देखें, इसकी कंडीशन को देखें, तो आपको पता चलेगा कि ये जो आउटर लूप है ये भी एन टाइम एग्जीक्यूट होगी और इनर लूप है वो भी एन टाइम एग्जीक्यूट होगी। तो आपको पता है ये नेस्टेड लूप है, नेस्टेड लूप की जो टोटल उसकी इटरेशन होती है ये कितने दफा चलती है, क्योंकि आउटर लूप की एक इटरेशन के लिए जो इनर लूप है वो अपनी इटरेशन जो है वो कम्प्लीट करेगी। तो इसका जो टोटल रनिंग टाइम आएगा वो आएगा एन इंटू एन,
एन इंटू एन का मतलब क्या है, यदि एन स्क्वायर। तो अब आपने सिंपली ये देखना है, ये एक्चुअली सम कर रही है, आपके पास एक टू डायमेंशनल अरे है इस तरह से, जैसे मैट्रिक्स एक होता है, तो मैट्रिक्स के एलिमेंट को जो है ना ये ऐड कर रही है, तो इसलिए जो है इसका जो है इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है वो बराबर है। जो आउटर लूप होती है ये कॉलम्स को कंट्रोल करती है, और जो इनर लूप होती है, सॉरी आउटर लूप जो है वो रोज को कंट्रोल करती है, और इनर लूप जो है वो कॉलम्स को कंट्रोल करती है। तो अब इसमें ये है कि चूंकि सिंपल सा ये है, अगर आप इसको जस्ट इसको नेस्टेड लूप अगर आप प्रोवाइज करें तो आपको बड़ी क्लियरली इस चीज का आइडिया हो जाएगा कि आउटर लूप जो है वो एन टाइम चलेगी, इनर लूप भी एन टाइम चलेगी, टोटल इनका रनिंग टाइम जो है एन इंटू एन यानी कि एन स्क्वायर जो है वो हो जाएगा। तो ये इसमें इसको इसका भी आप ये भी जिस तरह से एक एल्गोरिथम है, और इसका भी अगर आप देखना चाहते हैं कि इनपुट के साथ इसकी इसकी रनिंग टाइम किस तरह से चेंज होती है, एक्स एक्सिस पे एन लें, इसकी जो टी ऑफ एन आएगी जिस तरह से हमने वो लास्ट स्लाइड पे लिखा है वो एन स्क्वायर आएगी। तो यहाँ पे आपने टी ऑफ एन लेना है। अब आप यहाँ पे इनपुट चेंज करते रहें, 10 लें, फिर उसके बाद जो है वो 100 लें, फिर 1000 लें, तो आप देखेंगे इसकी इसकी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, बल्कि कुछ इस तरह से इसकी जो है वो होगी कि एकदम से जो है ना ये स्टीप एक कर्व, स्टीप जो है वो एक इसकी इसका कर्व जो है वो बन जाएगा। स्ट्रेट लाइन कर्व ये होता है, ये स्ट्रेट लाइन है लेकिन ये काफी स्टीप कर्व है, कि इसका मतलब ये है कि इसकी कॉस्ट जो है वो एकदम से जो है वो इंक्रीज होगी, और सडनली जैसे इनपुट साइज अगर इंक्रीज करते जाएंगे तो ये सडन इंक्रीज इसके अंदर होगी, क्योंकि एन स्केयर है ना। तो फर्स्ट करेंगे अगर आप 10 लेते हैं तो 10 का स्केयर 100 आ गया, और अगर आप 100 लेते हैं तो 100 का स्केयर क्या आएगा, दैट विल बी 10,000, 10,000 जो है वो होगा, 100 × 100 10,000 होगा। तो अब आप देखेंगे ये कितना डिफरेंस है, 10 में, 10 के स्क्वायर में और 100 के स्क्वायर में। इसी तरह से अगर आप 1000 का स्क्वायर लेते हैं वो इससे भी बड़ी वैल्यू होगी, तो इसलिए जो ये जो कर्व होगा ये बहुत ज्यादा स्टीप कर्व जो है ये होगा। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम अवॉइड करते हैं ऐसे ऐसे एल्गोरिथम जिसके अंदर इस तरह की जो है वो नेस्टेड लूप हो, बिकॉज के उनकी जो रनिंग टाइम है वो एकदम से बहुत तेजी से जो है वो इंक्रीज होगा। तो हमारे पास जो एल्गोरिथम के होते हैं वो रनिंग टाइम वो 4 तरह के होते हैं। अभी हमने दो देखे हैं, लीनियर ग्रोथ रेट देखे हैं। लीनियर ग्रोथ रेट वो होता है जिस तरह से हमने वो सिक्वेंशियल सर्च का देखा था, ये जिसमें एन की पावर कोई नहीं होती, नो पावर ऑफ एन। हमने क्वाड्रेटिक अभी पीछे देखा है, पिछली स्लाइड है वो हमने क्वाड्रेटिक देखा है, इसके अलावा लॉगरिथमिक हो सकते हैं और एक्सपोनेंशियल हो सकते हैं, जिसमें कि जो उसका जो ग्रोथ रेट है दैट विल बी इनमें से अगर देखा जाए तो हमें कौन सा चाहिए, हमारे लिए जो आइडियल ग्रोथ रेट है वो लीनियर ग्रोथ रेट है। अगर हमें लीनियर ग्रोथ रेट नहीं मिल सकता फिर हम कोशिश करेंगे कि हमें लॉगरिथमिक मिल जाए, ये दोनों आइडियल है। उसके बाद जो है वो क्वाड्रेटिक और ये जो एक्सपोनेंशियल है इनकी इनकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जैसे इनपुट साइज इंक्रीज करता है तो कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो ये हमारे लिए जो है ये इतने एक्सेप्टेबल जो है वो नहीं है। मैं अगली स्लाइड में एक ग्राफ की मदद से आपको ये सारी चीज एक्सप्लेन करता हूँ। ये ग्राफ एक्चुअली क्या है कि ये जो एक्स एक्सिस है दिस इज द एन यानी इनपुट साइज, 10 है 0 है, 10 है 20 है, 30 है 40 50 इस तरह से, और ये जो है ना ये टी ऑफ एन है, ये डिफरेंट मार्क्स मार्कर्स हैं वो बने हुए हैं कि अगर 200 है ये सारे। हमने क्या किया हुआ है कि हमने डिफरेंट एल्गोरिथम्स लिए हुए हैं, उनके डिफरेंट ये मतलब क्वेश्चन लिए हुए हैं, रनिंग टाइम क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे जो है ना वो इसकी रनिंग टाइम क्वेश्चन जो है वो 10n है, इसकी 20n है, ये 5n log n है, और ये जो एल्गोरिथम है इसके 2n² है, ये एल्गोरिथम जो है कोई एल्गोरिथम है इसकी 2n है और इसका n फैक्टोरियल। अच्छा अब आप कंपेरिजन करें तो ये दो जो है ये लीनियर ग्रोथ वाली है, तो आप देखेंगे इन इन इनका जो कर्व है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रहा है, और 50 पे भी जो है ये तकरीबन ये 400 तक है, और ये वाला 2 ये तकरीबन ये 1000 से नीचे ही है, अगर आप इसको देखें तो दिस इज लेस देन 1000, तो इवन 50 50 इनपुट साइज 50 पे हो रहे तो ये कुछ ज्यादा इंक्रीज नहीं है। लोक अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा ज्यादा है,
इसके इसका जो है वो सेम सेम इनपुट साइज पे इसकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो क्वाड्रेटिक है 2n स्केयर वाला, और खासतौर पर ये जो 2n वाला है, इसमें तो सडनली आप अगर आप देखें तो इस तरह से इंक्रीज हुई है कि अभी हम ये इनपुट साइज 10 है, 10 से भी बल्कि कम है, और इसका जो एस्टिमेटेड रनिंग कॉस्ट है वो 1400 से भी जो है वो क्रॉस कर गई है। तो दिस इज टू मच। ये जो कर्व है, ये जो ग्राफ्स है, ये हमें बता रहे हैं कि एल्गोरिथम का जो रनिंग टाइम है तो उसकी कॉस्ट जो है वो कैसे इंक्रीज होती है विद इनपुट साइज। तो अगर यहाँ पे अगर हमारे पास एक ऐसा एल्गोरिथम है कि जिसकी रनिंग कॉस्ट लीनियर है, तो उसमें अगर उसका साइज इंक्रीज भी रहेगा तो उसका जो रनिंग टाइम है उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक वाला होगा या जो ये एक्सपोनेंट वाला होगा, तो इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत स्टेडीली इंक्रीज होगी, बहुत शार्पली जो है वो इंक्रीज होगी। तो ये जो है, ये इसलिए हम जो है ऐसे एल्गोरिथम को हम जो है वो उसको हम प्रेफर नहीं करते हैं कि जिनकी जिनकी जो रनिंग कॉस्ट है वो इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाए कि अगर इनपुट साइज अभी 10 ही है लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होगी। तो ये एक एक्चुअली थोड़ा सा इसका जो निचला ग्राफ है ये इतने से को जरा थोड़ा किया है कि आप देखेंगे शुरू में इतना डिफरेंस नहीं है, शुरू में इज नॉट मच डिफरेंस, लेकिन जैसे ही इनपुट जो है वो 5 के आसपास आई है, 5 से थोड़ी सी ज्यादा हुई है, तो उसके साथ ही देखेंगे किस तरह से तेजी से जो है जो ग्राफ है वो किस तरह से इंक्रीज हुआ है। दिस इंडिकेट्स दैट के इन एल्गोरिथम्स का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा है। ये टेबल की मदद से भी यहाँ पे दिस इज आवर डिफरेंट एन है, और उसके बाद जो है ये डिफरेंट ये सारी जो है डिफरेंट रनिंग टाइम क्वेश्चन है ये सारी की सारी। और हमने देखा है कि डिफरेंट एन के साथ डिफरेंट रनिंग टाइम क्वेश्चंस जो है वो किस तरह से बिहेव करते हैं। तो अब इसमें क्या है कि ये जो एक्चुअली ये लिखा है दिस इज 2 रेज टू पावर 4, तो सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग बस आने के लिए सबकी बेस जो है वो 2 कर दी है। इनफैक्ट आपको बताया कि 2 रेज टू पावर 4 पे वो 16 के इक्वल ही होगा, और ये जो लॉग होता है लॉग जो है लॉग एन जो है वो 2 होगा, और अगर उसी का लॉग आप दोबारा ले लें तो दैट विल बी 2। ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि फर्ज करें कि आप 16 का लॉग लेते हैं बेस 2 में, यहाँ पे सारे लॉग की जो बेस है वो 2 लेंगे हम, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं लॉग 2 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 4 जो है दिस इज इक्वल टू 16। तो लॉग में होता है कि जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये जो है ये 1 होता है, दिस इज इक्वल टू 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो गया। तो दिस इज लॉग ऑफ एन, दिस इज लॉग ऑफ एन, जबकि एन हमारे पास 16 है। अगर इसी का दोबारा आप लॉग लें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं दिस इज 2 रेज टू पावर 2, अगेन ये जो है मल्टीप्लाई होगा 2 रेज टू पावर 2, और ये 1 के इक्वल है तो ये 2 रह जाएगा। तो इसलिए लॉग लॉग ऑफ एन जो है वो 2 है, लॉग एन जो है वो 4 है, एन जो है वो 2 रेज टू पावर 4 है, दिस इज इक्वल टू 16, और एन लॉग एन जो है वो बराबर है 2 रेज टू पावर 5 के, ठीक है, और एन स्केयर लेंगे तो 2 रेज टू पावर 8 के बराबर है, एन क्यूब लेंगे तो वो 2 रेज टू पावर 12 के बराबर है, और अगर आप 2 रेज टू पावर n लें तो वो 2 रेज टू पावर 16 के बराबर है। 2n, ये एक्सपोनेंशियल जो है ये जिसकी हमने लास्ट स्लाइड में भी बात की थी। तो अगर आप इनका कंपैरिजन करें तो दिस इज जस्ट 16 एंड दिस इज 2 रेज टू पावर 16, तो अब इसको आप कैलकुलेट करें तो आपको भी तो पता चलेगा ये 2 रेज टू पावर 16 जो है वो किसके इक्वल कितना होता है, वो कितना है। तो इसी तरह से अगर आप देखें तो इन इन सब इनपुट साइज में अगर आप देखें, तो अगर आप लीनियर में रहते हैं या अगर आप लोड पे रहते हैं तो वहां पे कॉस्ट काफी कम है, लेकिन जैसे ही आप क्वाड्रेटिक में या एक्सपोनेंशियल में जाते हैं तो वहां पे आप देखिए जो कॉस्ट है वो बहुत तेजी से जो है वो इंक्रीज होती है। तो ये सारी एग्जाम्पल्स जो है वही जो है वो बताई गई है, और ये सिंपल जो है दिस इज 2 रेज टू पावर 10, दिस इज इक्वल टू 1024, तो सिर्फ ये इसलिए लिखा है कि ताकि कंपैरिजन में थोड़ी सी जो है ये आसानी रहे। तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि हम ऐसे एल्गोरिथम डिजाइन करें कि जिसका जो ग्रोथ रेट है वो एक्सपोनेंशियल या क्वाड्रेटिक ना हो, आइडियली लीनियर होना चाहिए,
लेकिन अगर लॉगरिथमिक भी हो तो वो भी ठीक है, चलेगा, इट्स ओके, उसमें भी जो है कोई प्रॉब्लम वाली बात जो है वो नहीं है, तो वो उससे भी हम गुजारा कर सकते हैं। लेकिन ये जो एक्सपोनेंशियल या ये जो क्वाड्रेटिक है, ये बहुत ज्यादा इनकी जो है रनिंग कॉस्ट इनकी बहुत ज्यादा जो है वो हो जाती है, तो इससे हमें जो अवॉइड करना चाहिए। ठीक था। अच्छा, इसमें अगले में हम जो बेस्ट वर्स्ट एवरेज केसेस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन हो, तो वो बेटा पूछ सकते हैं।